सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों आप फ्री फायर में कैसे नेम चेंज कार्ड आप कैसे ले सकते हो। तो इसे आप यदि जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे सभी यूट्यूब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्री फायर में आपको नेम चेंज कार्ड कैसे आपको बाय करना है, यदि आप अपने नेम को चेंज करना चाहते हो फ्री फायर में तो कैसे गाइज आपको नेम चेंज कार्ड को बाय करना है, काफ़ी इजी है। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं फ्री फायर एप्लीकेशन को फ्री फायर गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज, फ्री फायर को ओपन कर लेने के बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फ्री फायर में नेम चेंज कार्ड लेना है। दोस्तों काफ़ी इजी है नेम चेंज कार्ड को लेना। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक गिल्ड में ज्वाइन होना है। यदि आप किसी गिल्ड में ज्वाइन हो तो काफ़ी अच्छा बात है, यदि आप गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो तो सबसे पहले आपको किसी एक गिल्ड में ज्वाइन होना है जिसका लेवल 2 होना चाहिए। लेवल यदि 2 नहीं है, 2 से कम है तो आप गाइस नेम चेंज कार्ड को बाय नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले एक ऐसे गिल्ड में ज्वाइन होना होगा जिसका लेवल है 2। ओके, गिल्ड में ज्वाइन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने गिल्ड के प्लेयर्स से हर दिन मैच खेलना है। आप यदि अपने गिल्ड से एक दिन खेलते हो, अपने गिल्ड के जो प्लेयर्स है उसके साथ एक दिन खेलते हो तो गाइज आपको क्या मिलेगा, आपको गिल्ड टोकन मिलेगा। चलिए गाइज यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि गिल्ड टोकन कौन सा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज, ये वाला जो टोकन है ये इसे कहा जाता है गिल्ड टोकन। आपको ये हर दिन मिलेगा, आपको अपने गिल्ड के जो मेंबर्स है उसके साथ आपको खेलना है और आपको गिल्ड टोकन हर दिन 20 करके मिलेगा। ओके, तो आपको हर दिन 20 करके गिल्ड टोकन इकट्ठा करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गाइज नीचे देखने को मिलेगा एक्सचेंज का ऑप्शन, आपको सिंपली से एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो टोकन है ये है नेम चेंज कार्ड, इसे नेम चेंज कार्ड कहा जाता है। इससे गाइज आप अपने फ्री फायर के आईडी में जो नेम है उसे आप चेंज कर सकते हो इस टोकन से। आपको इसे बाय करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 200 आपको गिल्ड टोकन चाहिए और आपको 39 डायमंड्स चाहिए, तभी आप इसे बाय कर सकते हो। और गाइज नेम चेंज कार्ड से एक फ़ायदा होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है गाइज, इससे आपको कम डायमंड से ही आप अपने नेम को चेंज कर सकते हो फ्री फायर में। तो इसका यह काफ़ी अच्छा फायदा है गाइज। आप यदि डायरेक्टली यदि नेम चेंज करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा डायमंड की ज़रूरत होगा, तभी आप डायरेक्टली अपने नेम को चेंज कर सकते हो। पर यदि आप नेम चेंज कार्ड को बाय कर लेते हो तो आपको ज़्यादा डायमंड नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर 39 डायमंड्स आपको लगेगा और 200 गिल्ड टोकन लगेगा, और आप नेम चेंज कार्ड को बाय करके अपने फ्री फायर में जो भी नेम है उसे आप चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक टॉप अप कर लेना है 39 डायमंड, उसके बाद सो गाइस यदि आपके पास डायमंड नहीं है तो आपको डायमंड टॉप अप करना होगा, तभी आप नेम को चेंज कर सकते हो। और 200 गिल्ड टोकन करने के लिए आपको कितना दिन लगेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको 10 दिन लगेगा 200 गिल्ड टोकन करने के लिए। 10 दिन के बाद आपको आप ले सकते हो नेम चेंज कार्ड को ले सकते हो। और यहाँ पर जो नेम चेंज कार्ड है ये 2 लेवल का जो गिल्ड है उसमें ही आपको मिलेगा। आपका गिल्ड का जो लेवल है वह 2 लेवल का होना चाहिए, तभी आप नेम चेंज कार्ड को ले सकते हो। उसके बाद गाइज आपको नीचे एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा से एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करना है,
तो आप इसे ले सकते हो। और मेरा अभी डायमंड नहीं है इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इसको लेने के बाद गाइस आपको अपने प्रोफाइल को ओपन करना है फ्री फायर के। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो निक नेम के साइड में आपका जो नेम लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से नेम चेंज कार्ड का यूज़ करके अपने फ्री फायर के नेम को चेंज कर सकते हो। और गाइस यदि आप नेम चेंज कार्ड को नहीं बाय करते हो तो आपको यहाँ पर 390 डायमंड्स आपको देना होगा, तभी आप अपने फ्री फायर के नेम को चेंज कर सकते हो। तो इतना डायमंड यदि आप नहीं देना चाहते हो तो मैंने आपको जिस तरह से बताया आपको उसी तरह से नेम चेंज कार्ड को बाय करके आपको अपने फ्री फायर के नेम को चेंज करना है। आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी जान सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।